हेलो गाइस, आई एम शिव वर्मा एंड राइट नाउ यू आर माय चैनल मूवी टॉक शो। और आज भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में जिसका नाम है एन एक्शन हीरो। सबसे पहले बात करते हैं पिक्चर की स्टार कास्ट की। तो यार, जैसा कि पता है, आयुष्मान खुराना हमेशा से एक मासेस के लिए फिल्म बनाते हुए आए हैं, एक ऐसी सोशल मैसेज वाली फिल्म बनाते हुए आए हैं जो लोगों को काफी पसंद आती है, और हमेशा सेफ खेलने की कोशिश की है उन्होंने। बट दिस टाइम शायद मे बी वो अपनी इंडस्ट्री में डेफिनेशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और वर्सिटैलिटी दिखाने की भी। पर मैं उन्हें देखने से ज्यादा एक्साइटेड जयदीप अहलावत जी को देखने के लिए हूं। आई मीन दैट मैन इज रियली अ बीस्ट इन एक्टिंग, और वो चीज हमें ट्रेलर में भी दिख रही है। आई मीन आयुष्मान खुराना ने जैसा भी काम किया है ट्रेलर में, इट्स गुड, इट्स रियली गुड। बट मैं पर्सनली फैन हुआ कैरेक्टर के जो कि जयदीप अहलावत प्ले कर रहे थे। आई मीन उस कैरेक्टर में काफी लेयरिंग है। वो थोड़ा सा हरियाणवी टाइप जट टाइप का आदमी है जिसको फर्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ में किसी में भी पेल देगा जाके। ऐसा टाइप का कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट करा है और बहुत बखूबी तरीके से दिखा रहे हैं उनको, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे देख के वो खुशी भी हुई। अब दूसरी बात, टाइटल है फिल्म का एन एक्शन हीरो, तो टाइटल से ही समझ में आता है पिक्चर अपने आप को एक्शन के दम पे बेचने की कोशिश कर रही है। और सच में अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा एक्शन फिल्म का। ट्रेलर देख के सो एंड सो था एक्शन के मामले में, बट द थिंग इज जिसके पीछे मैं चेज करना चाहूंगा वो ये होगी कि उसका जो केस बन रहा है, आई मीन जो मिस्ट्री वो क्रिएट करना चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि एक हीरो के पीछे पूरी पुलिस भाग रही है, वो इंसान भाग रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा थोड़े को मेरे हिंट लग रहा है कि कहीं ना कहीं फैन जैसा कुछ चीज करवाएंगे ये, लेकिन अभी श्योरिटी के साथ मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसमें कई सारी बातें ऐसी भी कही गई थी जो एज अ फैन कोई डिलीवर करता है एक एक्टर के लिए, और जब वो एक्टर उसका दिल तोड़ देता है तो सेम कुछ ऐसी ही बातें निकल के आती हैं सामने। अब ऐसा सा कुछ दिखाया जा रहा है कि कोई दो टाइप की पर्सनैलिटीज के साथ वो इंसान सफर कर रहा है। आई मीन कोई एकदम हार्ड कोर कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं निकाल रहा ये, बट हाँ ऐसा कहीं ना कहीं कि हर एक एक्टर दो जिंदगियां जीता है, एक जब वो परफॉर्म करता है और एक उसकी खुद की। सो उसकी एक इमेज है जो कि वो परफॉर्म करता है, और एक ऐसी इमेज भी है उसकी जो उसकी खुद की है जिसको वो खुद जीता है, और वो ऊब चुका है अपनी जिंदगी से जिसको ध्यान में रखते हुए मे बी उसने कुछ ऐसा कर दिया होगा कि जो उसको नहीं करना चाहिए था, और लोग अब उसके पीछे पड़ रहे हैं ताकि उसको मार पाए, उसको पकड़ पाए और उसका असली सच लोगों को तक पहुंच पाए। तो पिक्चर में काफी पोटेंशियल दिख रहा है भाई, और पिक्चर में काफी सारी चीजें ये कर भी सकते हैं। और रही बात ज्यादा एक्शन की, तो मे बी ये चीजें हाइड करने के चक्कर में कि ज्यादा चीजें हम दिखाएं नहीं, उस चीज के चक्कर में इन्होंने मे बी ज्यादा अच्छे एक्शन सीन्स या सिक्वेंसेस हमें ट्रेलर में दिखाए नहीं है। पर एक चीज है जो ट्रेलर में मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई, और वो जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है वो कार वाला सीन वो बाहर निकाल के एकदम से मारने लग जाता है, और वो सीन देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार कुछ माल बना रहे हैं क्या ये। बट हाँ, इन द मिडल ऑफ द ट्रेलर मेरा थोड़ा जोश कम हो गया। बस इतना ही कहूंगा, अगर पिक्चर में और भी पोटेंशियल हुआ तो डेफिनेटली इस मूवी को ट्राई देना बनेगा अपना। और रही बात आयुष्मान खुराना की, तो बंदे ने पूरी बॉडी बनाई है, पूरी कोशिश की है कि पिक्चर बहुत तगड़ी जाए, तो अपन 200-250 रुपए खर्च करके एक पिक्चर तो देख ही सकते हैं। पर खैर, ऐसा कोई तुमसे जोर जबरदस्ती नहीं है, वो तुम 200-250 रुपए बचाओ अपने अगर तुम चॉकलेट वॉकलेट खाना चाहते हो तो, मतलब क्योंकि इन पे पहले से बहुत पैसा है और कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मूवी इतनी आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं लग रही कि हाँ हमें डेफिनेटली इसको देखने जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ट्रेलर से अभी इतना पता लग रहा है कि अगर तुम्हारे पास कुछ देखने के लिए नहीं है और तुम एक मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वाली मूवी देखी जा सकेगी। वैसे एक बात और है, ये मूवी भले ही बाकी मूवीज की तरह नहीं हो आयुष्मान खुराना की, जो कि बहुत मासेस के लिए बनती है, बट स्टिल दो एक एक्शन मूवी के होने के बावजूद भी ये मूवी मासेस के लिए डिलीवर कर जा सकती है, क्योंकि इसमें हमें ट्रेलर में देख के समझ में आता है कहीं ना कहीं थोड़े लाइट जोक्स भी होते हैं, थोड़ी ऐसी कॉमेडी भी है जिसको देख के लोग थोड़ा एंजॉय कर पाएंगे जिनको थोड़ा कॉमेडी और लाइट चीजें ज्यादा पसंद है। अब एकदम बच्चों के लिए तो नहीं बनेगी, या फिर हो सकता है मोस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन भी देख लेंगे, बट बच्चों को शायद में भी उतना पसंद ना आए, स्पेशली अगर वो थोड़ा मारधाड़ में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो। लेकिन मैं ये चाहता कि ये मूवी अगर और ज्यादा अच्छे से थोड़ा और कन्वे कर पाती अपने आप को एक्शन डिलीवर करने में तो मैं और ज्यादा खुश होता, पर ऐसा नहीं हुआ। खैर, उनकी बात भी सच है, उन्हें पता है कि उनकी लोकेलिटी में उनके नेशन में किस टाइप की पिक्चरें चलती हैं, और उन्हें भाई पैसा कमाना है तो जाहिर सी बात है वो ऐसे ही करेंगे, पिक्चर मासेस के लिए बनाएंगे, जो कि सही भी है। आई मीन कोई खैरात बांटने के लिए तो बैठा नहीं है, तो मैं इन चीजों को ज्यादा टोंचूंगा भी नहीं। अगर उन्हें पूरी एकदम फुल फ्लैश
तगड़ा एक्शन वाला एकदम सब वही बनाना होता तो OTT पे रिलीज करते और बजट भी थोड़ा और लो होता शायद अभी से भी। तो बस यही था मेरा रिव्यू और तुम मुझे बताओ कि तुम इस मूवी को लेकर क्या सोचते हो। और हाँ, जाते जाते एक बात और कि अवतार 2 का जो इस डेकेड की सबसे बड़ी पिक्चर होने वाली है, तुम डेफिनेटली उसका भी रिव्यू देखो क्योंकि ये पिक्चर भी बहुत ज्यादा अनोखी लग रही है, पिछले वाले से भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन ला रही है फिल्म। तो मैं उम्मीद करूंगा तुम्हें ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और अब मैं चलता हूँ और मन करे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना घूमते फिरते एक बार फिर मिलेंगे और हो सके तो बातें भी करेंगे।